हेलो गाइस, सबको गुड मॉर्निंग एंड जोहार। और मेरा इस यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ सभी को। तो आज मैं एक न्यू ब्लॉग लेके आ रहा हूँ आप लोग के, एक छोटा सा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। अब मौसम भी आज का बहुत ही प्यारा निराला है। आगे की और का लोकेशन थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, हरा भरा हो रहा है क्योंकि बारिश बहुत लेट से हुआ ये साल। दो दिन बारिश हुई। इधर हमारे विशाल भाई आते हुए इधर बड़े ही मस्त से और फुर्तीला से आ रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग दो जन मिल रहे हैं इधर। वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हैं, विशाल भाई के साथ आज हम आ चुके हैं। और आप लोगों के लिए एक नया सूचना लेके मैं आया हूँ। SSGD का री एग्ज़ाम होगा गाइस, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि SSGD का री एग्ज़ाम होने वाला है, क्यों होने वाला है और कहाँ होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो SSGD का रीस एग्ज़ाम होने वाली है 81 सेंटर का। जो 81 सेंटर में जो एग्ज़ाम दिए थे, जो नहीं दिए हैं उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो दिए थे, जिसका एग्ज़ाम में रुकावट आई थी, वो लोगों का एग्ज़ाम होगा। उसमें होगा कंप्यूटर में रुकावट आ गया था, किसी का एग्ज़ाम वहीं रुक गया। जिनका एग्ज़ाम 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक हुई थी, वही लोगों का रीस एग्ज़ाम होगा। और 81 सेंटरों का, और हमारे ये वेस्ट बंगाल का तो नहीं है, लेकिन भी जिन लोगों का सेंटर में कोई असुविधा हुआ है, कोई सॉल्व कर नहीं पाए एग्ज़ाम का, पूरा पूरी क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर पाए, और कंप्यूटर में कुछ टेक्नोलॉजी का कोई खराबी इशू आया था, तो ही वही सेंटरों का एक री से एग्ज़ाम होगा। ये नहीं कि जो अप्लाई किए थे और एग्ज़ाम देने नहीं गए और एग्ज़ाम दे नहीं पाए, वो लोगों का नहीं। जो एग्ज़ाम दिए थे वही लोगों का एग्ज़ाम री से होगा। तो गाइस, आप लोग रेडी रहिए, री से एग्ज़ाम होगा 30 मार्च को, और आप लोग ज़रूर अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम दीजिए। हमारे वेस्ट बंगाल का नहीं है, पर भी आप लोग भी देख लीजिएगा, आज ही काल में आप लोग का एडमिट डाउनलोड होगा। 30 मार्च को आप लोग का री एग्ज़ाम होगा। तो और हमारे वेस्ट बंगाल का तो नहीं है, पर आप लोग रेडी रहिए, अभी वेस्ट बंगाल का पुलिस का वैकेंसी भी आ चुका, तो आप लोग अप्लाई कीजिए, ऐसी पड़े नहीं रहिए। 12-10 का भी एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोगों का तो 18 साल हो चुका है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी पड़े नहीं रहिए घर में, क्योंकि माँ बाप लोग टी गार्डन, बगान, बस्ती जो भी, तो उसमें बहुत ही मेहनत करते हैं और हम लोगों को सही राह दिखाते हैं कि आप लोग पढ़िए, हम लोग नहीं पढ़े हैं बोल के वो लोग हम लोगों को पढ़ाने चाहते हैं। तो आप लोग बहुत सारा अभी प्लेटफॉर्म है पढ़ने का, कोचिंग वगैरह जाइए, यूट्यूब में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो घर में ऐसे पढ़े नहीं रहिए, और आप लोगों के पास तो मोबाइल होगा ही, तो आप लोग यूट्यूब के द्वारा और बुक भी बहुत सारा मिलता है ऑनलाइन में, आप लोग मंगा लीजिए। बस्ती में माँ बाप लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, और वो मेहनत हम लोग को दिखाना है कि हम लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छा आदमी बन जाए, तो आप लोग अप्लाई कीजिए। तो मैं वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे देसी ठाकड़ वाला वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मैं साग सब्जी वाला वीडियो बहुत दिनों से नहीं लाया हूँ, और डांस का वीडियो भी जल्द ही आएगा, तो वीडियो में बने रहिए।